पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर आपको दिल्ली से सटे नोएडा से बता दें। नोएडा के सेक्टर 120 से मिल रही है बड़ी खबर, जहां प्रतीक लॉरेल सोसाइटी के लिफ्ट में एक परिवार फंस गया। 15 मिनट तक बच्चों के साथ लिफ्ट में परिवार फंसा रहा। लिफ्ट में फंसे परिवार के साथ 4 महीने का बच्चा भी था। नोएडा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं लिफ्ट में फंसने के मामले, जो कि सवाल भी खड़े करते हैं। 15 मिनट तक एक ही परिवार लिफ्ट में फंसा रहा, सोचिए इसमें 4 महीने का बच्चा भी था। अंधेरा वहां पर था पूरे तरीके से, लिफ्ट के भीतर मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी की गई। 4 महीने का बच्चा किस तरह से परेशान हो गए होंगे घर वाले, परिवार वाले जो कि लिफ्ट में फंस गए थे, ये सोच पाना मुश्किल नहीं है। प्रतीक लॉरेल सोसाइटी नोएडा की, सेक्टर 120 का ये पूरा मामला नोएडा के, जहां पर 15 मिनट तक लिफ्ट में एक पूरा परिवार फंसा रहा। पिछले कुछ दिनों में नोएडा से इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लिफ्ट में जब लोगों के फंसने की खबरें सामने आई हों और एक पैनिक की सिचुएशन जाहिर है उस वक्त क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि और कितनी देर इस लिफ्ट में फंसे रहना होगा। उस वक्त घबराहट, एंग्जाइटी लोगों को फेस करनी पड़ती है, जाहिर है। सवाल ये कि जिम्मेदार कौन, सोचिए अगर और लंबा ड्यूरेशन हो जाता तो फिर क्या होता। 15 मिनट तक बच्चों के साथ लिफ्ट में एक परिवार फंसा रहा। महिला आपको नजर आएगी तस्वीरों में, वीडियो भीतर जो बनाया गया लोगों की ओर से वो सामने अब आया है। महिला की गोद में आप एक 4 महीने का बच्चा भी देख रहे हैं। 15 मिनट तक इसी तरह से बेचैन ये परिवार रहा लिफ्ट के भीतर, इस बात से बेखबर कि ना जाने और कितने समय तक लिफ्ट में इसी तरह से फंसे रहना पड़ेगा।